हाय एवरीवन, मैं हूँ ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 69 पोजीशन के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है 69 पोजीशन है क्या, यानी कि ये क्या चीज़ होती है। देखिए, एक्चुअली 69 जो पोजीशन होता है ना, वो इंसर्ट करने वाला पोजीशन नहीं होता, इसीलिए इस पोजीशन को अलग कहा जाता है और कुछ खास कहा जाता है। बाकी जो पोजीशन होते हैं, जैसे कि जो फेमस पोजीशन होता है, डॉगी स्टाइल की बात करो, मिशनरी पोजीशन की बात करो, लोटस हो गया, टेबल ऑन टॉप हो गया, ये जो फेमस पोजीशंस होते हैं ना, ये इंसर्ट करने वाले पोजीशन होते हैं, जहाँ पे मर्द फीमेल पार्टनर के बॉडी में इंसर्ट करता है। बट 69 पोजीशन इसीलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे इंसर्शन की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कुछ इंसर्ट करने वाली बात नहीं है। एक्चुअली 69 पोजीशन जो होता है ना, वो ओरल परफॉर्मेंस का एक फेमस पोजीशन है। चौक है ना, जो लोग जानते हैं इस पोजीशन के बारे में, जो लोग आजमाते हैं इस पोजीशन के बारे में, वो लोग जानते हैं कि ये कितना प्लेजरेबल होता है कपल्स के लिए। खास तौर से ये जो पोजीशन होता है वो कपल ज़्यादा अपनाते हैं जिनको ओरल परफॉर्मेंस बहुत पसंद है, उनको फोपले के दौरान ओरली अपने पार्टनर को स्टिमुलेट करना पसंद है, और उन कपल्स के लिए 69 पोजीशन जो होता है ना, वो बहुत ही खास होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सेम टाइम पे, सेम सिचुएशन पे स्टिमुलेट कर पाते हैं। ये 69 पोजीशन कुछ ऐसा होता है जहाँ पे मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर एक दूसरे को क्रॉस करते हुए उनके प्राइवेट पार्ट को सक करते हैं, लिक करते हैं, यानी कि कुछ भी कहो, हाथ से हो गया, उनके टंग से हो गया, एक दूसरे को एक ही टाइम पे क्रॉस करते हुए ओरल परफॉर्मेंस करते हैं। देखिए, ये 69 पोजीशन जो होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कपल को पता नहीं होता, या फिर एक को होता है, दूसरे को पता नहीं होता, वहाँ पे हम अपने पार्टनर को कन्वेंस कैसे करें इस पोजीशन को ट्राई करने के लिए। मैंने उस पर डिटेल्स पे एक वीडियो बनाई है, अगर आप चाहो तो मैं दूसरी बार भी वो वीडियो बना दूंगी। आज फिलहाल मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि ये 69 पोजीशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। बाकी जो पोजीशन है, मैंने पहले कहा कि ये इंसर्ट करने वाला पोजीशन होता है, जबकि 69 पोजीशन ओरल परफॉर्मेंस का हिस्सा होता है। जिन लोगों को ओरल परफॉर्मेंस पसंद है, वो लोग 69 पोजीशन को ट्राई करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मुझे पसंद है, मेरे पार्टनर को मैं कैसे कन्विंस करूँ कि वो मुझे दे। इससे पहले कि मैं उसे कन्विंस करूँ, मुझे उसको पूछना पड़ेगा कि उसको क्या ओरल परफॉर्मेंस देना पसंद है, क्या उसको ब्लोजॉब पसंद है, क्या उसको ओरल परफॉर्मेंस लेना पसंद है, क्या मैं उसको लिक करूँ, क्या मैं सक करूँ, क्या मुझे मतलब कि वो इस चीज़ को पसंद करती है या करता है, पहले ये श्योर करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज फोर्सफुली आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर उसको ओरल परफॉर्मेंस पसंद है आपके जैसा, मतलब वो शर्म के मारे कभी नहीं बोली होगी या बोला होगा, या फिर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं करा होगा, तो आप पहले इसके बारे में डिस्कस कर लो। आप चाहो तो पिक्चर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो कि 69 पोजीशन कुछ ऐसा दिखता है, क्या हम इसको ट्राई करें, क्या तुम करना चाहते हो, ऐसे पूछ के आप ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जो इंसर्शन से पहले ही चरम सुख तक पहुंच जाते हैं ओरल परफॉर्मेंस के ज़रिए। जी हाँ, ओरल परफॉर्मेंस यानी कि मुख मैथुन एक ऐसा ज़रिया होता है जहाँ पे बिना इंसर्ट करे ही आप एक दूसरे को बारीकी से संतुष्ट कर सकते हो, अगर आपको वो टेक्निक आते हो, अगर आपको वो तरीका आता हो। बस एक दूसरे में घुल जाना बहुत ही ज़रूरी है। फोर्सफुली मैंने पहले कहा कुछ भी नहीं होता, और 69 पोजीशन को ट्राई करते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात कि हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आप हाइजीनिक नहीं हो, गंदी सी स्मेल आती है, कोई गंदगी है, बहुत ज़्यादा ही घने जंगल बने हुए हैं, तो उस केस में हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो कन्विंस ना हो, या फिर उसको इरिटेशन महसूस हो, डिस्कम्फर्ट महसूस हो, तो उस केस में आपके पार्टनर को जो पसंद है आप वो चीज़ ट्राई करो। हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखो, साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखो। मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है आप क्या ट्राई कर सकते हो, मैंने दिखाया है कि आप क्या ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे प्राइवेट पार्ट वॉश अवेलेबल है मार्केट में, वो अपने बाथरूम में ज़रूर स्टोर करो। और 69 पोजीशन को ट्राई करने के टाइम पे एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि इस पोजीशन को ट्राई करने से पहले एक दूसरे को थोड़ा उत्तेजित कर देना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि शुरू में ही आप इस पोजीशन को ट्राई करने लग जाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा
ऑकवर्ड फील हो सकती है बिकॉज आप प्रिपेयर नहीं हो, आपकी बॉडी में वो अभी तक वो नहीं आई है डिज़ायर कि आप उस पोजीशन को ट्राई कर सको, उस टाइम पे ऑकवर्ड फील हो सकता है। तो शुरू में आप फोरप्ले में थोड़ा इन्वॉल्व हो, किसिंग वगैरह कर सकते हो, एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को टच करना, और धीरे धीरे आप 69 पोजीशन में अपने आप को स्विच करो। तो अगर आपको ओरल परफॉर्मेंस पसंद है, आप बारी बारी एक दूसरे को ओरल परफॉर्मेंस देते हो और अभी तक अपने 69 पोजीशन को ट्राई नहीं किया है, तो ट्रस्ट मी ये जो टेक्निक है ना, ये आपके प्लेजर के लेवल को कई गुना बढ़ा देने वाला है। क्योंकि ये पोजीशन ऐसा है जहाँ पे आप एक दूसरे को सेम टाइम पे सेम सिचुएशन पे आप स्टिमुलेट करते हो, जिसकी वजह से दोनों का आप जो प्लेजर पॉइंट है वो भी सिमिलर पोजीशन पे आता है और दोनों एक दूसरे को बारीकी से संतुष्ट कर पाते हैं। और अगर किसी भी तरीके की आपको दिक्कत हो रही है, आपको कुछ और चाहिए अपने पार्टनर से, तो उसके बारे में भी आप कृपया अपने पार्टनर से डिस्कस करें, खुल के बात करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।